तो हेलो गाइस, स्वागत है सभी लोगों को हमारे चैनल में। तो पबजी मोबाइल जो गेम है वो इंडिया में बैन होने वाला है जनवरी 2019 में, ऐसा बहुत सारा न्यूज़ सुनने को मिल रहा है। लेकिन आप सब लोगों को ये बात बताने के लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि सब लोगों को पता चले कि अफवाह बहुत ही फैल रहा है हर कहीं पे। व्हाट्सएप पे भी अगर कोई मतलब मैसेज कुछ फॉरवर्ड कर देता है, कुछ मतलब जाने जिसका कोई प्रूफ ही नहीं होता है, उसको भी मतलब जान ले क्या बोले उसे बिलीव कर लेते हैं। जैसे कि भगवान का कोई नाम देता है या वगैरह वगैरह कुछ जैसे देता है, इतने लोगों को भेजो या वो करो। कभी कभार बोलते हैं कुछ और भी मैसेज देता है, ये करो नहीं तो आपके जीवन में आपके इलाज में ये होगा वो होगा, ऐसा बहुत सारे अफवाह आता है। और हम लोग कभी कभी फॉरवर्ड कर भी देते हैं बिना कुछ जाने को, शायद हो या ना हो हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ हम लोगों को मतलब जो है ये ना हो दिल में वही डर रहता है, इसके लिए हम लोग उसे फॉरवर्ड कर दे देते हैं। लेकिन फिलहाल अभी पबजी जो है चाइना में बैन हुआ है कि नहीं, ये बात आप सब लोगों को बता देता हूँ। हाँ गाइस, चाइना में रेली बंद कर दिया है पबजी जो पीसी है उसको, लेकिन जो पबजी मोबाइल है वो अभी भी चल रहा है धीरे धीरे, उसे अभी तक बंद नहीं किया गया है। जो कोई लोग उससे हालांकि अभी भी खेल पा रहे हैं। जस्ट ऐसे ही मुझे पता चला कि पबजी जो मोबाइल है उसे खेल रहे हैं लोग, लेकिन जो पीसी में है गाइस उसे बंद कर दिया गया है, मतलब बैन कर दिया गया है। हाँ, और जो इंडिया में है वो तमिलनाडु या साउथ इंडिया में, मतलब जो जो कॉलेज है तमिलनाडु या कहाँ ऐसे ही कुछ एरिया में जो कॉलेज है ना, उन सब में इसे बैन कर दिया गया है, ताकि सब लोग मतलब पढ़ाई पे ही ध्यान दें। कॉलेज में जाके हर कोई मतलब पबजी पे ही लगा रहता है, कोई मतलब शायद वो लोग का जो स्टूडेंट्स है वो क्लास नहीं करता होगा, सिर्फ गेम में ही बिजी रहता होगा। और ये ऐसा है गेम है जो एक नशे जैसा है, कि एडिक्टेड बहुत ज़्यादा कर देता है, तो बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग का जो है इसे केमिकल लोसा कर देता है। और इसके वजह से बाकी सारे मतलब जो भी बाकी सारा मतलब वो होता है वही होता है, जो रास्ता होता है उसे दिमाग से हटा देता है, सिर्फ गेम में ही मन लगा रहता है और कोई और काम करने का मन नहीं करता है। ऐसा वैसा बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है। सब लोग जो जो लोग खेलता है उन लोगों को पता ही होगा, अगर एक दो दिन ना खेले तो कैसा लगता है। तो हाँ, ये एडिक्टेड ही है इस गेम के, इस गेम के कारण बहुत मतलब ऐसा परेशानियाँ भी आता है कि लोग सही से काम नहीं कर पाते हैं, बहुत मतलब स्टूडेंट्स भी सही से पढ़ाई नहीं करते हैं, सिर्फ गेम ही लगा रहता है। इसके लिए बैन कर दिया है कॉलेजों में। लेकिन अभी बात आया हुआ है कि पूरे इंडिया में जो पबजी मोबाइल है इसे बैन कर देगा, तो ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि जो ये गेम है ये कोई बुरा नहीं है कि ऐसा ही करेगा, और गवर्नमेंट के पास गेम वेम बैन करने के लिए उतना टाइम नहीं रहता है, क्योंकि उन लोगों को कुछ और भी काम रहता है यार। अगर गेम वेम ऐसा ही बंद करता रहेगा तो करेगा क्या? अब सब लोगों को तो पता ही है ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि गेम में ऐसा हो नहीं सकता है कभी भी। ये सब कुछ अफवाह ही फैला रहा है गाइस। अब सब लोगों को लगता है कि सच में क्या बैन होगा, तो उसके जो कि थंबनेल पे देता है और उसके बात करता है तो जस्ट व्यूज ही बढ़ता है उन लोगों का, और सब्सक्राइबर ऐसा मतलब खींच लेने के लिए बहुत सारा अगर ट्रिक मिल जाए ना तो लोग वही यूज़ करते हैं। अभी चाइना में फिलहाल बंद कर दिया, तो किसी न किसी कॉलेज से ये जो गेम का लिंक है जो नेटवर्क का इंटरनेट का जो मतलब ये कनेक्शन होता है, तो वहाँ के अथॉरिटी से ये लोग कुछ कर देता है कि इस लिंक को जो है सर्वर है इसे ब्लॉक कर दिए, तो ब्लॉक कर दिया कहीं कहीं जगह पे। तो लोगों को लगा कि पूरे इंडिया में पबजी को बैन कर देने वाले हैं सरकार, तो ये सब कुछ गलत है गाइस। कॉलेज में कर दिया है लेकिन ये पूरा इंडिया में करना ये पॉसिबल है, क्योंकि हर कोई मतलब ऐसा तो नहीं कि सबके मोबाइल में जो ज़्यादा खेले वही मतलब ये कर रहे,
ये काम सरकार का नहीं है, हम लोगों के इंडिया में अगर कोई गलत बात हो तो ये हो सकता है तो बैन कर ही देगा, ये कोई बात नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन गेम को बैन करना ये पूरा का बाय है फेक न्यूज़ से, ताकि सब लोगों पे व्यूअर्स ज़्यादा आए और देखे कि बन हो जाएगा ये जो है, और सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएगा धीरे धीरे। तो गाइस ऐसे अफवाह में ना फंसिए आप लोग, अगर कुछ सबूत अगर ना हो तो लोगों के बातों में कभी भी ना आएगा, क्योंकि जो जो लोग न्यूज़ में जो जो लोग मतलब अपने चैनल में ये बात डाल रहा है कि जो पबजी है वो इंडिया में बैन होने वाला है, तो उनका प्रूफ कभी कहीं भी नहीं है, ना तो प्रूफ दिखाता है, अगर है तो प्रूफ ज़रूर दिखा पाते वो लोग, लेकिन ऐसा फ़िलहाल नहीं है। तो गेम में कोई गड़बड़ी नहीं है, ना तो कोई बैन होने वाला है ना कुछ और। तो गाइस अफवाह से दूर रहिए, फेक न्यूज़ पे कभी भी बिलीव मत करिएगा, जो अगर कोई प्रूफ मिले उसी वीडियो को विश्वास करो, और अगर प्रूफ नहीं है जस्ट ऐसे ही फेंकते हैं तो उसको कभी देखना ही मत, व्यूज उसका बढ़ाना ही बेकार है। तो गाइस इसके ऊपर ही ये वीडियो मैं बनाया आप लोगों को इन्फॉर्म कर सकूँ, ताकि ऐसे अफवाह में ना फंसीए। तो आज का ये वीडियो इसी पे ख़त्म कर देते हैं, वंदे मातरम।